कम ऑन दोस्तों, हमें एक इमरजेंसी कॉल आया है, जल्दी से अपने मेकास निकालो और ओह, हमारे पास अब भी मेकाबीज नहीं है। 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया, उम्मीद है सब्र का फल मीठा हो। गॉड, नाराज मत हो, ठीक है, काम खत्म हो गया। और अब मैं पेश करने जा रहा हूँ हमारे नए और पहले से बेहतर मेकाबीज। वाओ, ये तो पहले जैसे ही दिख रहे हैं। हाँ, शायद बाहर से दिखते होंगे, पर जब इनका कमाल देखोगी तो हैरान रह जाओगी। वैसे हम थोड़े जल्दी में हैं, क्या तुम हमें बता सकते हो? नहीं, मौका मिलने पर ही ऐसी चीजों का कमाल देखने में मजा आएगा और तब धमाल होगा। तुम जरूर खूब होंगे। पहले मैं तुम्हारे पिताजी को बुलाया करता था, वो बहुत पहले की बात थी, लेकिन मुझे यकीन है कि अब तुम कुछ कर पाओगे। लेकिन बात क्या है? 2 दिन पहले हमें ये मिला। जब वो हमें मिला तब बड़ी बुरी हालत में था। कौन मिला? ये डॉक्टर ब्लैक। रेगिस्तान में मिला था ये, न ब्लास्टर न मेका, कुछ भी नहीं था इसके पास। शाहरुख लान ने इसे वहाँ भेजा होगा, ये जरूर 2 हफ्तों से भटक रहा होगा। यकीन नहीं हो रहा, हमने इसे पकड़ लिया? असल में देखा जाए तो हमने नहीं पकड़ा। छोड़ो जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की दिन की कहानियाँ लिखी जाएंगी जब मैंने स्ट्रक्टेरा के सबसे खतरनाक दरिंदे को पकड़ा था। ना जी, मुझे कौन पकड़ रहा? मुझे पकड़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं एक शेन हूँ और तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। मैं तुम्हें मुझे छोड़ने का एक और मौका देता हूँ, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम हमारी कैद में हो। सच में? फ्लॉपर्स, क्या उसके पीछे जाना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉर्ड, उसने पहले से अपने साथियों को बुलाया होगा। कूप, मुझे डॉक्टर ब्लैक खास पसंद नहीं, उनसे थोड़ा डर भी लगता है, पर मुझे केविन बहुत पसंद है। अगर इसके और भी आदमी यहाँ आए तो जंग छिड़ जाएगी। तुमने अपना काम कर दिया है कूप, अगर और लोग आएंगे तो उनसे हम निपटेंगे। डॉक्टर ब्लैक को यहाँ रखना सही नहीं होगा इलाई, हमें उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा। अब पर कैसे ले जाए, ये उसके अंदर हमेशा के लिए रहना चाहता हूँगा ना, हमेशा के लिए जेल में। तो हम अपने साथ जेल को भी साथ ले चलते हैं। क्या बात है, डॉक्टर ब्लैक अंदर बंद है और मैं यहाँ ताजी हवा में घोड़े की सवारी कर रहा हूँ। अरे रुक जाओ, हम इसे कहाँ लेके जा रहे हैं, कोई बताएंगे अभी? अरे क्या हम यहाँ सुन नहीं रहे क्या? अच्छा सवाल है, ब्लैक को कैद में रखने से बहुत कुछ बदलेगा, अगर वो कैद में रहा तो स्टैलैगमाइट 17 कैसा रहेगा? मिस्टर सैटरडे से उसे वापस हासिल करने के बाद वो काफी सुरक्षित जगह बन गई है। वहाँ पहुँचने तक उम्मीद है कि ये जेल वैसी की वैसी ही रहे। फिर चलो वहीं चलते हैं, उम्मीद है कि ब्लैक के चमचों के पहुँचने के पहले हम वहाँ पहुँच। यहाँ बात कितने जल्दी फैलती है। बिल्कुल, गॉड,
तुमने जो मेकास को अपग्रेड किया था उनका क्या? वो कमाल के है, सही वक्त पर तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे लगता है यही सही वक्त है, जल्दी करो वरना हम वो देखने के लिए बचेंगे नहीं। सब्र का फल मीठा होता है, भरोसा करो मुझ पर। मैं कई मुसीबतों का सामना कर चुका हूँ, लेकिन अब काफी डर लग रहा है, पर अब बस भी करो कोड भैया। अभी नहीं, हमें और जगह चाहिए। क्या और जगह? ठीक है, इससे पहले कि तुम मेरे सुपर डुपर अपग्रेडेड मेकास को देखो, तुम लोग इसे पहन लो। बढ़िया। तो ठीक है दोस्तों, ग्रीन बटन दबाओ। क्या इसमें ग्रीन बटन भी है जी? हमारे पास ग्रीन बटन्स हैं। ये तो कमाल है, बेहतरीन। कमाल की राइड बनाई है, मेरा कोई जवाब नहीं। अरे ये मशीन बदलती क्यों नहीं? चल बदल जा। आप बदली? अरे मुझे मत बदल। सॉरी देर हो गई, पर इसका कमाल दिखाने के लिए एक खुला मैदान ही चाहिए था। मजाक कर रहे हो क्या? हमने तो उन्हें मजा चखाया। गॉड तुम एक जीनियस हो। अब देखो लिया, मैं तुम सबको अपना कमाल दिखाता हूँ। जरा आराम से प्रॉन्टो, हमें उसे सुरक्षित वहाँ ले जाना है। तुम्हें लगता है कि इससे मैं तुम पर दया करूँगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्या? मैंने कहा तुम्हें गलतफहमी हो रही है कि मैंने कहा हम तुम्हें वहाँ सुरक्षित ले जाएंगे, ये नहीं कहा कि तुम्हारी बकबक सुननी पड़ेगी। कोई पीछे आ रहा है। क्या तुम्हें पता है वो क्या है? नहीं, पर मैंने ओवरटाइम करके इन मेकास को अपग्रेड इसलिए किया क्योंकि मैंने सुना था कि ब्लैक सुपर टेक्नीशियन को हायर कर रहा है किसी तरह की सुपर कार बनाने के लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये वही, इसे कहते हैं टाइटन। और अब तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या है। मैं अभी डॉक्टर ब्लैक को आजाद करूँगा। क्विंटन, आखिरकार ब्लैक जैसे महापुरुष का वाहन है। पिछली बार ये हम पर बहुत भारी पड़ा था, लगता है इस बार भी वो ऐसा ही कुछ करेगा। जितने बड़े होते हो उतना ही तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचता। ओ ये तो बुरा हुआ। इलाई, अगर हमें इसे हराना है तो डबल बैरल ब्लास्टर का इस्तेमाल करो। ठीक है, मेरे पास सही तरह के स्लग्स हैं। बैंगो! वो ठीक है, पर मैं फ्यूजन मूव उसके बगैर नहीं कर सकता। तुम मुझे बचा रहे हो या क्या कर रहे हो? सॉरी सर।
ये बेकार के मेकास कहाँ से लाए? हाँ जबान संभाल कर उसकी बात पर ध्यान मत दो वॉच। बाय क्वेंटिन। ठीक है दोस्तों, इस तरफ चलो। नहीं नहीं, कोबरा कैनियन से कूद कर आज तक कोई भी नहीं बचा जी। इससे पहले किसी के पास ऐसे बेहतरीन मेकाज नहीं थे। अपने हेलमेट संभाल कर। ये ना समझिए, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सर ये सर मुझ गया भैया। देखा, कुछ नहीं हुआ हमें। मान लो तुम लोग मुझसे जीत नहीं सकते। मुझे नहीं पता था जब लोग इस दिन के बारे में लिखेंगे तब उसे मेरा आखिरी दिन कहेंगे। बहुत अच्छे बोपी। बहुत अच्छा फ्यूजन शॉट था। कंग्रेचुलेशंस ईलाई। कंग्रेचुलेशंस, तुमने जो मेकास के साथ किया उनकी वजह से हम कैनियंस को पार कर सके, तो कंग्रेचुलेशंस कॉर्ड। और इस वाहन प्रांतों को भी कंग्रेचुलेशंस बोलो जिसने टाइटन को हरा दिया जी। लोग इसके बारे में भी लिखेंगे। कहानी अच्छी है पर क्वेंटिन तुम्हें पकड़ना नहीं चाहता था, वो तो तुम्हें अपने शिकार की तरह जाल में फंसा रहा था। रुको, तू ही क्वेंटिन की चाल थी। सुनो, तुम मैं और कॉर्ड उन्हें संभालेंगे ताकि प्रॉन्टो ब्लैक को यहाँ से ले जा सके। प्रॉन्टो, चाहे कुछ भी हो जाए स्टैलेगमाइट 17 आने तक रुकना मत। हम बाकी उसे निपटते हैं। हाय। अंदर गर्मी नहीं होती? वो बाहर आने का समय आ गया। थोड़ी हवा खा लो, जा। दोनों लोग रोकेंगे, ये तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। Thank you.
टैक्सी। प्रॉन्टो को उस दिन का इंतजार है जब पेपरा में मेरे बहादुरी के किस्से छपेंगे जी। अब तो तुम गए प्रॉन्टो। अब तुम नहीं बचोगे प्रॉन्टो। भागो। लिफ्ट चाहिए? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, शेन गैंग को मैं खुद देख लूंगा। अरे नहीं, कोई बात नहीं, अब मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी स्पीड कम मत करना। नहीं, एक नया रास्ता बनाने का वक्त आ गया है बॉबी। उन पत्थरों को वहां से हटाओ। बोपी, तुमने तो कमाल कर दिया, पर कैसे? शायद फास्ट जाने की वजह से तुम्हारे ब्लास्टर को स्पीड मिली होगी, जिसकी वजह से बोपी में भी ताकत बढ़ गई। मुझे लगता है बोपी अब मेगा मॉर्फ की तरह है। ये साइंस लेसन की बातें बाद में करें, हम फंस चुके हैं। नहीं, हम नहीं फंसे हैं। दोस्तों, ये क्या हो रहा है? पिछली बार हम कोबरा कैनियन से बाल बाल बचे थे, और ये तो उससे भी बड़ा। यकीन करो। अभी कार्ड। बाय बाय टाइटन। इसे ग्लाइडर मोड पर डालो तो। ये चलो दोस्तों, मुसीबत टल गई। क्या तुमने देखा? जब मौका मिले तब भाग लेना चाहिए। इलाय, तुम बड़ा रिस्क ले रहे हो, वो टाइटन है। क्वांटन चाहे जो भी बनाए, तुम्हारी बनाई चीज उसे मात दे सकती है। बस और स्पीड चाहिए। अभी। देखना दोस्तों, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि महान प्रॉन्टो ने एक बार नहीं पर दो बार कोबरा कैनियन से छलांग मारी और डॉक्टर ब्लैक को सही सलामत स्टैलेक्टाइट 17 ले आया ना। अजीब लग रहा है, डॉक्टर ब्लैक पकड़ा गया, सब खत्म हो गया। हाँ शायद।
ईलाय, और क्या हो सकता है? मेरा मतलब इसके कोई भी आदमी में इतना दम नहीं है कि वो स्टैलैग्माइट 17 को तोड़ सके। तुमने आज उनको हराया है जो मेरे लिए काम करते थे, पर मेरा यकीन करो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है।